ही शिक्षा है। क्या? अरे अंदर 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 क्या नाम हो गया? चुप रहना, सारे लोग चुप रहना। क्या नाम है? नागेंद्र प्रसाद सिंह। नागेंद्र प्रसाद क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री मतलब ये कि जो मकान मकान चुनाई करते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप राजमिस्त्री हैं और आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कि हम रोटी कपड़ा तुमसे छीन लेंगे, हमारे पास शिक्षा होगी तो। हमें शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कमा लेंगे, हमको घाटा में दम है उतना हम कमा लेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं। पैर तुम्हारे कहाँ, लाओ जरा मुझे दे। मालूम है मैं क्यों कहता हूँ कि सारी दुनिया में बिहार नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसीलिए कहता हूँ, तुम जैसे लोगों की वजह से कहता हूँ। गजब हो, गजब हो। असम में सरकारी फंडेड से चलने वाले जो मदरसे हैं उन पर ताला लगने वाला है। नवंबर से वो सारे ही मदरसे बंद हो जाएंगे। वहाँ की सरकार का ये मानना है कि सरकारी खर्च पर पढ़ाई जो है वो किसी एक धर्म के लिए या एक विशेष समुदाय के लिए नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, एक ख़ास धर्म की पढ़ाई की जाती है, ऐसा उदाहरण वहाँ पर किया है। इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, लोग इस पर बात कर रहे हैं। अधिकतर लोग ये उदाहरण दे रहे हैं कि पहले के जो लोग, यानी जो हमारे विद्वान निकले हैं, वैज्ञानिक निकले हैं, साइंटिस्ट निकले हैं, वो भी मदरसों से उन्होंने शुरुआत की थी और मदरसों से शुरुआत करने के बाद वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। बहुत अलग अलग तरीके के उदाहरण दिए जा रहे हैं शिक्षा को लेकर। और बाकी अधिकतर लोगों का ये मानना है कि भाई अगर सरकार से कोई फंड आता है तो वो सिर्फ मदरसे के लिए, एक ही तरह की शिक्षा के लिए क्यों आ रहा है, उसमें सब तरह की शिक्षा की ज़रूरत है। इस मामले को लेकर हमें पता है कि गोदी मीडिया इसको एक अपने ट्रायल के रूप में देखेगी, एजेंडा चलाएगी और इस पर विवाद होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब मैं बात करता हूँ बिहार की। बिहार में चुनाव हैं, 2020 के असेंबली इलेक्शन हैं, विधानसभा चुनाव हैं। इस चुनाव के चलते अलग अलग न्यूज़ चैनल रिपोर्टिंग के लिए गए हैं, लेकिन एक वीडियो एक न्यूज़ चैनल का रिपोर्टिंग का सामना आया है। वीडियो आप देखेंगे, ये शिक्षा से जुड़ी बात है, इसलिए उस वीडियो का यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है। रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकार को एक शख्स मिलता है, नाम है नागेंद्र प्रसाद और काम राजमिस्त्री। राजमिस्त्री वो जो घर बनाते हैं, ईंटें ढोते हैं, जो मजदूरी का एक काम इसे समझा जा सकता है, वो काम करते हैं। पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन सोच क्या है? सोच ये है कि जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा कि आपको क्या चाहिए, यानी विधानसभा चुनाव है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की ज़रूरत है, ये वो पूछना चाह रहे थे, और इसका जवाब जो मिला वो वाकई हैरान करने वाला है और वो एक सीख देने वाला है कि सोच आदमी की कितनी महान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। जब पत्रकार ने ये पूछा कि ऐसा क्यों, शिक्षा क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास शिक्षा होगी और हम शिक्षित होंगे तो रोटी और कपड़ा तो हम छीन के ले लेंगे। ये सोच है इंसान की जो महान बनाती है। शिक्षा क्यों ज़रूरी है? इसीलिए शिक्षा की अगर बात एक ऐसा व्यक्ति करे जो आज, जिसने शिक्षा नहीं ली शायद, जिसकी वजह से वो आज मजदूरी कर रहा है या वो छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, वो अगर शिक्षा की बात करता है, वो अगर अपने बच्चों की पढ़ाई की बात करता है, तो समझ लीजिए कि आने वाला भविष्य जो है वो हमारा बेहतर है। शिक्षा की बात करनी चाहिए। सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। जरूरी शिक्षा है। क्या नाम हो गया? चुप रहना, सारे लोग चुप रहना। क्या नाम है? नागेंद्र प्रसाद सिंह। नागेंद्र प्रसाद क्या काम करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं। राजमिस्त्री मतलब ये कि जो मकान मकान चुनाई करते हैं? जी सर। अच्छा, तो आप राजमिस्त्री हैं और आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, इसलिए कि हम रोटी कपड़ा तुमसे छीन लेंगे, हमारे पास शिक्षा होगी तो। ये
क्या नाम बताया आपने? नागेंद्र प्रसाद सिंह। क्या काम करते हैं आप? राजमिस्त्री का। काम करते हैं? राजमिस्त्री का। और आपको क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। और क्या नहीं चाहिए? हमें रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। इसलिए कमा लेंगे, हमको घाटा में दम है उतना हम कमा लेंगे, लेकिन शिक्षा के लिए हमारे पास पैसा नहीं। पैर तुम्हारे कहाँ, लाओ जरा मुझे दे दो। एक बार इन बहरों को, गुंगों को एक बार फिर से बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हमें शिक्षा चाहिए। बच्चे हैं? बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं। बड़ा बच्चा क्या करता है? अभी पढ़ रहा है सर, साथ में। छोटा बच्चा? वो भी पांच में पढ़ रहा है। और छोटा, सबसे छोटा? सबसे छोटा वाला सर नहीं पढ़ता है अभी, बहुत छोटा है। नहीं, वो भी सात साल का है। तो उसका एडमिशन नहीं करा पाए? कराए हैं लेकिन नहीं जाता है, कभी कभी जाता है। थोड़ा बदमाश टाइप का, थोड़ा दिमाग से कमजोर है सर। नहीं नहीं, उसको 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 मैं अभी बोलता हूँ, जब शो खत्म हो जाएगा तो उसको किसी से बोल के जाएंगे, तो किसी को दिखाना उसको, जरा एक बार दिखा ले तो कमजोर नहीं होगा दिमाग से। जिसका पिता इतना शार्प है, मुझे तो नहीं लगता कि वो होगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। एक बात बताएं, तुमने बक्सर मेरा जैसे होता ना कि जब किसी मंदिर में गए, जैसे मान लो काशी विश्वनाथ गए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो गए तो मान लो कि लगता सब हो गया। बक्सर में रुको, बक्सर में आ गए, तुम्हारे दर्शन हो गए तो मुझे लगा कि बक्सर आना सही है। तुम्हें मालूम है मैं क्यों कहता हूं कि सारी दुनिया में बिहार नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसीलिए कहता हूं, तुम जैसे लोगों की वजह से कहता हूं। गजब हो, गजब हो। कहने लगे कि रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, बच्चों को सिर्फ पढ़ा दीजिए, बाकी तो सब हम ले ही लेंगे, छीन लेंगे। छीनने वाला शब्द को आप चाहे जैसे लें, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस जगह पे ऐसे लोग राजमिस्त्री हैं, आपको तो बार बार मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहिए साहब। खड़े हो जाइए, जाके बीच में जाइए, जाइए स्वागत करिए। अरे हाथ से यहाँ आइए, एक बार फिर सलूट करता हूँ। गजब है भाई आप, गजब है, गजब है। ये है बक्सर, इसलिए आता हूँ। क्या नाम हो गया पंडित जी? तो बिहार के बक्सर से नगेंद्र प्रसाद का ये वीडियो आपने देखा, जो शिक्षा की बात कर रहे थे और शिक्षा के सहारे वो रोटी और कपड़ा छीनने की बात कर रहे थे। क्योंकि शिक्षा ही है जो आपको, आपके अंदर सवाल पैदा करती है, शिक्षा ही है जो आपके अंदर सलीखा पैदा करती है, शिक्षा ये बताती है कि सरकार से किस तरह की मांग करनी है, और शिक्षा ही बताती है कि आप किस चीज़ की, आपको किस चीज़ की आलोचना करनी है। शिक्षा ही ये बताती है कि अब आपको सरकार से मस्जिद या मंदिर नहीं मांगना है, मीडिया के द्वारा चलाए गए एजेंडे में आपको नहीं फंसना है, ये शिक्षा बताती है। शिक्षा ही ये बताती है कि मंदिर और मस्जिद के झगड़े में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर शिक्षा उनके पास होगी तो उनका भविष्य बेहतर होगा, उनके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा और इस देश का निर्माण होगा। हमें अच्छा लगा ये वीडियो, इसलिए हमने चाहा कि आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, आप लोगों तक इस तरह की सोच पहुंचे, जो एक चुनाव के चलते एक मजदूर इस सोच के साथ खड़ा है कि अब जो सरकार बने वो ऐसी बने जो हम लोगों को शिक्षा दे, हमारे बच्चों को शिक्षा दे, और उस शिक्षा के सहारे हम रोटी कपड़ा मकान खरीद सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।